हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब तक आपने डिसएडवांटेजेस ऑफ लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू का इंट्रोडक्शन इस वीडियो सीरीज में देखा है। अभी आगे वाला पार्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सर्कुलर क्यू के फीचर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। कौन कौन से फीचर्स होते हैं सर्कुलर क्यूज के, जिससे कि ये मोर इफिशियंटली वर्क होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू जो होता है वो लीनियर क्यू जैसे ही होता है, क्योंकि ये जो है वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। ओनली द डिफरेंस इज ये लीनियर क्यू होता है और उसके डिसएडवांटेज जो होते हैं वो सर्कुलर क्यू अवॉइड करता है, पर बेसिकली ये लीनियर क्यू जैसे ही वर्क करता है। तो अगर लीनियर क्यू जैसा वर्क करता है तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर क्यू जैसे वर्क करता है मतलब क्या करता है। तो जैसे कि लीनियर क्यू में भी दो एंड होते थे, फ्रंट एंड एंड रियर एंड, उसी तरह सर्कुलर क्यू में भी दोनों एंड रहेंगे। तो जो कि हम इंसर्ट और एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो हमेशा हम रियर एंड पे परफॉर्म करने वाले हैं, और जो कि हम डिलीट और डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो हमेशा हम फ्रंट एंड पे करते हैं। तो ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों का वर्किंग जो है, ये दोनों एंड्स का मतलब कि रियर एंड और फ्रंट एंड का, ये लीनियर क्यू जैसा ही है। अभी लीनियर क्यू भी इनिशियली बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑफ द ऑपरेशन जो होती है वो एम्प्टी होती है, वैसे ही हमारा सर्कुलर क्यू भी सबसे पहले कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले वो एम्प्टी रहता है। और अगर कौन सा भी क्यू, ये लीनियर क्यू हो या सर्कुलर क्यू हो, अगर ये एम्प्टी है, इसका मतलब होता है कि ये जो हमारे बोथ फ्रंट एंड रियर पॉइंटर्स होते हैं वो माइनस पोजीशन पे असाइन होते हैं और वो माइनस पोजीशन पे पॉइंट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें लीनियर क्यू के सेम है। लीनियर क्यू जैसे वर्क करती है वैसे ही सर्कुलर क्यू इन सारी चीजों में सेम है। तो हमें अभी देखना है कि अगर हमारा सर्कुलर क्यू एम्प्टी है तो वो हमें कैसे दिखता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर्कुलर क्यू जो है उसकी साइज 10 है, जिसका स्टार्टिंग 0 से होगा और एंड 9 पे होगा। पर अभी इनिशियली हमारे सर्कुलर क्यू में कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब हमारा सर्कुलर क्यू एम्प्टी है। और सर्कुलर क्यू एम्प्टी है ये दिखाने के लिए हमें फ्रंट एंड रियर, ये जो दोनों पॉइंटर है, दोनों इंडाइसेस है, वो हमें -1 पे असाइन करने हैं और इनिशियलाइज करने हैं। तो अगर हमारे दोनों पॉइंटर्स, रियर एंड फ्रंट पॉइंटर और द इंडाइसेस, ये दोनों अगर -1 पे है तो इसका मतलब है हमारा सर्कुलर क्यू जो है वो एम्प्टी है। इसका मतलब हमारे सर्कुलर क्यू में कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। ये हो गया फर्स्ट और द बेसिक फीचर अबाउट सर्कुलर क्यू। तो अभी हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सर्कुलर क्यू का फीचर है वो है कि जहां पे हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्ट ऑपरेशन, जैसे कि हमें फर्स्ट एलिमेंट अभी इंसर्ट करना है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि हमारा सर्कुलर क्यू जो है वो पूरी तरह से एम्प्टी है। तो इसका मतलब अभी हमें जब इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसका मतलब जो कि हम एलिमेंट इंसर्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है तो हमारा जो बोथ फ्रंट एंड रियर पॉइंटर सबसे पहले -1 पे था, वो अभी हमें 0 पे इनिशियलाइज करना है। तो -1 से वो हटा के हमें 0 पे असाइन करना है और इनिशियलाइज करना है। तो चलो हम वो करते हैं।
तो ये हो गया हमारा सर्कुलर क्यू, जो इनिशियली हमारा फ्रंट एंड रेयर माइनस वन पे था वो हमने हटा लिया, और यहाँ पे दो नो फ्रंट एंड रेयर जो है वो हमने जीरो पे इनिशियलाइज कर लिया। ये इनिशियलाइज करने के बाद हम यहाँ पे जीरोथ पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंसर्ट करने के बाद ये जो एलिमेंट है जीरो जीरो वो जीरोथ पोजीशन पे इंसर्ट हो गया है। अभी हम देखते हैं कि और कोई एलिमेंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं क्या, तो हाँ हम इसमें और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी आपको ध्यान से देखना है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कि हमारा रेयर पहले जीरो पे था वो अभी वन पे हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने नया एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। इसका मतलब जो कि हमने पहले देखा था कि जब भी कभी हमें इंसर्शन ऑपरेशन करना है उसके लिए हमें रेयर पॉइंटर अपडेट करना है, तो ये जो रेयर पॉइंटर रेयर इंडेक्स है वो हमने नेक्स्ट पोजीशन पे लिया, और नेक्स्ट पोजीशन पे हमने नया एलिमेंट इंसर्ट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फिर से अगर नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो यहाँ से रेयर हमें हटाना है और टू पे इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ टू पे इनिशियलाइज करने के बाद हम यहाँ पे नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने नया एलिमेंट इंसर्ट कर लिया है। अभी फिर से अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ से रेयर हटाना है, नेक्स्ट पोजीशन पे असाइन करना है। नेक्स्ट पोजीशन पे असाइन करने के बाद यहाँ पे आप नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि नया एलिमेंट मैंने इंसर्ट कर लिया है। वैसे ही हमें आगे जाना है, फोर्थ पे रेयर लेके आना है और यहाँ पे नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, जहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी नया एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है तो आपको रेयर पॉइंटर पे वर्क करना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हमें देखना है कि अगर हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कैसे करते हैं। तो डिलीट परफॉर्म करने के लिए आपको कौन सा पॉइंटर यूज करना होगा, आपको कौन सा एंड यूज करना होगा, और अलग शब्दों में अगर हमें बात करनी है तो कौन सा इंडेक्स हमें यूज करना है अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है। हाँ, तो हमें क्या यूज करना है, हमें फ्रंट पॉइंटर यूज करना है, फ्रंट एंड यूज करना है और फ्रंट इंडेक्स यूज करना है अगर हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो चलो हम फिर से सर्कुलर क्यू पे जाते हैं। यही हमारा प्रीवियस सिनेरियो था जहाँ पे मेरा फ्रंट जो है वो जीरो पे है और रेयर जो है वो फोर पे है, मतलब कि यहाँ पे फाइव एलिमेंट्स अवेलेबल है जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं और फोर्थ पे एंड होते हैं। अभी आपको सोचना है कि अगर मुझे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें क्या करना है, तो हमें फ्रंट एंड पे वर्क करना है। आपको सिंपल वाला क्यू पता है, अगर आप किसी भी क्यू में खड़े हो, अगर आप सिनेमा हॉल के बाहर खड़े हो और आपको टिकट परचेस करनी है, हालांकि आप सभी ऑनलाइन कर रहे हैं, बस एक बार सोचो कि आप किसी क्यू में खड़े हो और अगर आपको कोई टिकट परचेस करना है तो जो सबसे फ्रंट में होता है वही सबसे पहले उसे सर्विस मिलती है। तो इसी हिसाब से हमें अगर जो कि फ्रंट में है, ये नंबर जीरो जो है फ्रंट पे है, वही सबसे पहले सर्विस मिलेगी, इसका मतलब वही सबसे पहले डिलीट होगा। तो ये डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें फ्रंट पॉइंटर पे वर्क करना है। तो हमें क्या करना होगा, ये डिलीट हुआ है इसका मतलब हमें फ्रंट पॉइंटर नेक्स्ट पोजीशन पे असाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पॉइंटर अपडेट कर लिया और इसका मतलब हमने ये एलिमेंट डिलीट कर लिया, तो यहाँ पे मैं ये डिलीट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने फ्रंट एलिमेंट को डिलीट किया। अभी फिर से अगर मुझे कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो मैं यहाँ से फ्रंट हटा के नेक्स्ट पोजीशन पे उसे इनिशियलाइज कर लूंगी और इसका मतलब कि मैंने ये एलिमेंट डिलीट कर लिया है। तो इसी तरह से आप फ्रंट के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जो कि आपको हमेशा याद रखना है
कि जो हम डेटा डिलीट कर रहे हैं वो एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर में से रिमूव नहीं होता है, वो वहीं पे होता है। पर अगर वो वहीं पे है तो फिर हम उसे यूटिलाइज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो फ्रंट पॉइंटर है उसे इंक्रीमेंट करते हैं, और इसका मतलब है कि हमने वो एलिमेंट डिलीट कर लिया है, क्योंकि हम जो डेटा एक्सेस करने वाले हैं वो डेटा हम कौन सा एक्सेस करेंगे जो कि फ्रंट और रेयर की रेंज में अवेलेबल है, वही वैलिड डेटा होता है। उसके बाहर मतलब कि फ्रंट के पहले वाले एलिमेंट जो कि हमने ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं वो वैलिड एलिमेंट नहीं होते हैं, वैलिड लोकेशंस नहीं होते हैं, इसलिए हम उसका यूज नहीं करेंगे। जो कि फ्रंट और रेयर के बीच में डेटा अवेलेबल होता है वही वैलिड डेटा अवेलेबल होता है, इसीलिए अगर वो एक्चुअली रिमूव नहीं होते हैं फिर भी हम उसे यूटिलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसे कंसिडर करते हैं कि वही ऑल वो सारे एलिमेंट हमने डिलीट कर लिए है, एंड इसीलिए हम उसे बोलते हैं कि एलिमेंट्स आर डिलीटेड और रिमूव, ये टर्म को हम यूज करते हैं। अभी जो कि आपने लास्ट टाइम सर्कुलर क्यू को छोड़ा था उस पर हम और इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्या? यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रंट आपका सेकंड पोजीशन पे है और रेयर आपका फोर्थ पोजीशन पे है, तो अगर मुझे इंसर्ट ऑपरेशन करना है तो हमें कौन से एंड पे करना पड़ेगा? यस करेक्ट, तो हमें रेयर एंड पे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ से मैंने रेयर हटाया, फिफ्थ को लगा लिया और नया एलिमेंट इंसर्ट कर लिया। अभी फिर से नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, मतलब आपको रेयर पॉइंटर सिक्स को लगाना है, नया एलिमेंट सिक्स पोजीशन पे इंसर्ट करना है, और अगर फिर से नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो सेवेंथ पोजीशन पे हमें रेयर लगाना है और सेवेंथ पोजीशन पे नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। इसी तरह से और एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर लो, और एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर लो। और अब यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि क्या हम और एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार सोच लो कि अगर आपके साथ सर्क्यूलर क्यू नहीं है, लीनियर क्यू है, और आपने दो एलिमेंट्स यहाँ पे डिलीट किए हुए हैं, मतलब कि जीरोथ पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन आपके पास है जो कि एम्प्टी है और आपके पास लीनियर क्यू है, तो क्या हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं लीनियर क्यू में? नहीं। यही ड्रॉबैक है लीनियर क्यू का, जहां पे स्पेस अवेलेबल है फिर भी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इसी का मतलब लीनियर क्यू के साथ हम स्पेस जो है, मेमोरी जो है, वो वाइजली यूज नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है सर्क्यूलर क्यू, और सर्क्यूलर क्यू में इस सिचुएशन में हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों स्पेसेस जो है वो अवेलेबल है, फ्री है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से रेयर हटाना है, नेक्स्ट पोजीशन पे लगाना है, क्योंकि ये जो दोनों एंड है दे आर कनेक्टेड, इसको हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है, इसीलिए ये जो है वो सर्क्यूलर क्यू है, ये लीनियर क्यू नहीं है, ये सर्क्यूलर क्यू है, इसीलिए हम यहाँ पे वो इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने रेयर को 9 से हटा लिया, 0 पे लगा लिया, और यहाँ पे मैं नया एलिमेंट इंसर्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने नया एलिमेंट इंसर्ट कर लिया। फिर से हमें एक एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है तो हमें रेयर को हटाना है 0 से और उसको 1 पे लगा लेना है। 1 को लगा लेने के बाद यहाँ पे हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम स्पेस जो है सर्क्यूलर क्यू में वो वाइजली यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सर्क्यूलर क्यू जो है वो मोर इफिशियंट देन अ लीनियर क्यू, सबसे अच्छी तरह से वो स्पेस यूटिलाइज करता है, मेमोरी यूटिलाइज करता है, अगर हम इसे लीनियर क्यू से कंपेयर कर सकते हैं तो इसीलिए सर्क्यूलर क्यू जो है वो बेटर है देन दैट ऑफ अ लीनियर क्यू। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ टू सब्सक्राइब माई चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, पूरा
प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पे दे रही हूँ. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग. हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.